लिखो रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एम्पावरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लास्ट सेवेंटी थ्री ईयर्स संविधान तिहत्तर साल हो गए हैं क्यों इसके हिंदी में लिखे विगत तिहत्तर वर्षों में संविधान को सशक्त बनाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका ठीक है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका द सुप्रीम कोर्ट प्लेस लिखे द सुप्रीम कोर्ट प्लेस मल्टीपल रोल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ठीक है ना विविध भूमिकाएं निभाता है या बहु विविध बोल सकते हैं भूमिका निभाता है एग्जाम्पल लिखिए जैसे एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक भूमिका क्या है उसका संविधान के संरक्षक के रूप में और आगे लिखिए एज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने वाले के रूप में मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने वाले के रूप में नेक्स्ट एज द इंटरप्रटेटर लिखिएगा इंटरप्रटेशन होता है ना इंटरप्रेटेटर प्रेटर वर्ड आएगा वैसे इंटरप्रेटर पी ई टी ई आर लिखिएगा इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की व्याख्या करने वाले के रूप में अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है तीन उसके मूल भावते एक क्या मिलेगा एक तो संविधान का संरक्षक हो गया गार्जियन एक फंडामेंटल राइट का हो गया और एक इंटरप्रिटेशन करता है व्याख्या करता है ठीक है अगर आप इसके फॉर्मेशन को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए और ऐसा फॉर्म में ला दें कि जैसे सपोज सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखें कि जब जब संविधान लागू हुआ था ना जब संविधान लागू हुआ तब यह बात कितने भाई यही काम था ना जैसे हमने जब कोचिंग खोला तो यही था ना कि बच्चे को पढ़ाना है लेकिन किसको डांटना है किसको क्लास से निकाल देना है किसको एडमिशन नहीं देना है ये तो रास्ते में होते रहे होंगे ना लेकिन कोचिंग खोलते समय तो ये फैसला नहीं लिया गया होगा ना कोचिंग खोलते समय तो यही रहा होगा ना रास्ते की जो दुर्घटनाएं हैं वो तो रास्ते में मिली ना मिशन का हिस्सा थोड़ी था वो तो ऐसे कानून में लिखा है जैसे जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल थर्टीन कि वो रिव्यू कर सकता है यह पावर भी उसको आर्टिकल वन थर्टी सेवन में जाके देखेंगे तो मिली हुई है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की स्थिति में लोग आर्टिकल बत्तीस के तहत जो रेमिडीज है फंडामेंटल राइट के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उस समय तो कोई केस नहीं था ना ऐसा तो उसमें हुआ था कि भाई ठीक है लोग आएंगे अपना जो समस्या होगा देखेंगे एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको सुप्रीम कोर्ट को तिहत्तर वर्षों में क्या क्या करना पड़ा 26 जनवरी 1950 और आज की तारीख मई 2023 के बीच में एज अ गार्जियन गार्जियन तो शुरू से ही वही है और वही रहेगा तो एज अ गार्जियन उसको क्या जहमत झेलनी पड़ी जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो घर के सारे लोग खुश होते हैं भाई बच्चा फिर थोड़ा तो बड़ा होने लगता है स्कूल जाने लायक हो जाता है कभी कभी गलत संगत में फंस जाता है स्कूल में क्लास बंक करने लगेगा पढ़ने मन नहीं लग रहा है बदतमीज़ी करता है घर में बात नहीं सुनता है ये सब उसके पैदा होते ही थोड़ी पता था वो तो रास्ते में आपको मिलता जाएगा ना तो एज अ गार्जियन जैसे संविधान का गार्जियन है अगर अगर क्या है सुप्रीम कोर्ट एज अ फादर आप गार्जियन हैं अपने बच्चों के तो जैसे जैसे समस्याएं आए आप गार्जियनशिप में वो वो अमेंडमेंट करते चले गए दैट इज अव योर पावर कभी चाटे मारे उसको अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू नहीं है नहीं लिखा था शुरू के संविधान में नहीं लिखा था अमेरिका के संविधान के तीन दशक पूरे होने के बाद एक अठारह सौ चौदह पंद्रह की बात कर रहा हूं मैं संविधान में उसके जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा फिर भी जब ऐसा मामला आया तो उसने इस पर कैप्चर किया किसने अमेरिका के न्यायाधीशों ने उस पर कैप्चर किया बोले भैया जब तुम कानून के जानकार तुम हो व्याख्या तुम करते हो जब बच्चे को दूध हम पिलाते हैं खाना हम खिलाते हैं कपड़े लत्ते हम दिलाते हैं तो किसी से ये पूछ करके अधिकार लेंगे क्या कि तमाचा कब मारेंगे ये पूछने नहीं जाएंगे क्या समझे ये कतई नहीं पूछने वाले गलत करने पे धर देंगे ये अधिकार खुद से स्वयं से ले लेता है वो जैसे हमको हम ही से चुरा लो वो अधिकार स्वयं से ले लिया सुप्रीम हमारे देश में आर्टिकल तेरह में जुडिशियल रिव्यू लिखा है अगर विधायिका कानून बनाती है और वो कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और उतना भी शून्य कर सकती है जितना वो प्रभावित कर रहा है जैसे सर्जरी कर देगा कि इतना बेकार है इतना रख लो अगर पूरा कानून प्रभावित कर रहा है तो पूरे कानून को कर देगी वो शून्य और आर्टिकल तेरह को पढ़िए हम कह रहे तेरा ना लिखा होता जैसे अमेरिका की बात म, के साथ मैं बोल रहा हूं तो आपने कस्टोडियन किसको बनाया फंडामेंटल राइट का आपने गार्जियन किसको बनाया संविधान का कौन बनेगा गार्जियन जरा बताइए कौन करेगा कानून की व्याख्या जरा बताइए न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट भले ही आप ना लिखे होते तब भी कानून तब भी जुडिशियल रिव्यू की पावर ऑटोमेटिक वो ले लेती ये रूल बुक में नहीं लिखना है, जब फादर आपको ये करना है आपको कपड़े दिलाने हैं आपको खाना खिलाना है आपको उसकी पढ़ाई का ध्यान देना है कौन से रूल बुक में लिखा है बिना रूल के वो पूरा ड्यूटी निभाता है कि नहीं क्योंकि ही इज अ गार्जियन वो आपका गार्जियन है और जब गलत संगत में पाता है सिगरेट पीते देखता है जुआ खेलते देखता है घूमते देखता है तो उतार के जूता सड़क पर पीटता है नहीं आपको नहीं पीटा गया होगा हमारे जमाने में चलता था तो तिहत्तर सालों में क्या है एक तो बेटा हमने तीन प्रारूप में ये बताया नंबर वन करके लिखो जरा the supreme court has been described as a continuous constituent assembly described as a constituent assembly continuous constituent assembly as it continues as it continues to

हिंदी में लिखो सर्वोच्च न्यायालय को एक सतत संविधान सभा के रूप में वर्णित किया गया है सतत संविधान सभा के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि यह भारतीय समाज की बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप क्योंकि यह भारतीय समाज की बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप संविधान की संभावनाओं का निरंतर विस्तार करता ही रहता है सुप्रीम कोर्ट पिछले तिहत्तर सालों में अपने फैसलों से अपने आदेशों से अपने निर्देशों से या यूं कहा जाएगा अपनी भूमिका से 26 जनवरी 1950 से लेकर के मई 2023 के दरमियान चूंकि मैं अगर मैं आज, आज दो साल बाद पढ़ा रहा हूँ तो मैं पचहत्तर साल बोलूंगा अभी तिहत्तर साल बोल रहा हूँ मैं जैसा संविधान 26 जनवरी 1950 को मिला था वैसा संविधान हु नहीं है उसके साथ विस्तारित है हमारे संविधान सभा के जो संविधान सभा थी उसने हमें संविधान दिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वहां से एज अ गार्जियन संविधान का संरक्षक मूल अधिकार का एक प्रकार से कहें कस्टोडियन और एक प्रकार से विधि की व्याख्या करने की दृष्टि से आप उसको देखें तीन स्वरूप बताए ना संविधान के संरक्षक के रूप में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान 26 जनवरी 50 को हमें मिला उस संविधान में समाज की परिस्थितियां उसकी मांग उसके अनुरूप और आए हुए बदलाव को ध्यान में रख करके मूल यानी कि जो संविधान था उसके साथ कई विस्तार किए एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान सभा है ना एक तरफ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई थी राष्ट्रपति चुन लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति संविधान सभा ने चुना था 26 जनवरी 50 को ओ, 24 जनवरी 50 को छब्बीस अच्छा, को संविधान लागू हुआ संविधान सभा तो रास्ते में भंग हो गई लेकिन एज अ गार्जियन उसी संविधान में लगातार विस्तार समाज में आए बदलाव और परिस्थितियों के अनुरूप होता रहा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट स्वयं में एक सतत संविधान सभा की तरह भी रही जो निरंतर सोसाइटी में हो रहे बदलाव के अनुरूप या डिमांड के अनुरूप विस्तार करती रही ये है तिहत्तर सालों में जो हुआ है अच्छा आप बताइए दसवीं अनुसूची की जुड़ी उससे जुड़े बहुत सारे फैसले लिए गए सुप्रीम कोर्ट एस आर बम्बई केस तो हम बता ही रहे हैं आपको ग्यारहवीं अनुसूची जुड़ी बारहवीं अनुसूची आप भी तो देखते हैं कि अनुसूचियाँ चार बढ़ी नौवीं अनुसूची तो शुरू में ही जुड़ गई थी आप भी तो देखते हैं कि तीन सौ पंचानवे का आर्टिकल कितने क्लास के साथ आगे निकल गया सब क्लाज के साथ और क्या हटाया गया क्या जोड़ा गया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से संविधान का एक प्रकार से रखवाली की तिहत्तर साल का संविधान हमारी सरकारों के नाते नहीं है हमारी विधायिका के नाते तिहत्तर साल का संविधान नहीं है इस तिहत्तर साल का जो संविधान इतना बड़े विस्तार के साथ हमारे सामने है वो सिर्फ न्यायपालिका की वजह से क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो गार्जियन है कार्यपालिका तो पता नहीं क्या करते संविधान के विरुद्ध उनको तो जो जीतने के लिए सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ के लिए जो जरूरी है वो करते हैं नहीं आप बताइए आर्टिकल तेरह में फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू कैसे और कानून की व्याख्या अनाप शनाप कानून बना दीजिए और संविधान का उल्लंघन करेगा तो जो संविधान का संरक्षक उसको पीड़ा नहीं होगी क्या ऐसा हुआ नहीं है विधायिका ने या जो विधियां बनी है उसकी व्याख्या नहीं हुई उसकी सर्जरी नहीं हुई उसके कांट-छांट नहीं हुई उसको शून्य घोषित नहीं किया गया या उसमें हिस्सा हटाया नहीं गया हटाया गया सब कुछ हुआ और आप केशवानंद भारती के बाद लड़ाई नहीं देख रहे हैं क्या कहना पड़ा उन्नीस सबसे बड़ी पीठ तेरह जजे की पीठ इससे बड़ा अब तक पीठ नहीं बैठी क्या था तू डाल डाल मैं पात पात सरकार और न्यायपालिका के बीच का एक संघर्ष दिखता है कि नहीं दिखता है आपका हाल क्या बोला सुप्रीम कोर्ट आप कुछ भी करो मूल ढांचे में नहीं कर सकते अब मूल ढांचा क्या है मैं बताऊंगा समय के साथ मूल ढांचा तो बताया ही नहीं गया हमारे संविधान सभा ने तो बताया ही नहीं हमको तो विस्तार किसने किया मूल ढांचे का तो इनडायरेक्टली आप कह सकता हूं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये स्वयं एक सतत संविधान सभा का भी काम करता चला गया क्योंकि गार्जियन है जैसे एक बच्चा होता है पैंतीस साल का तीस साल का बाईस साल का काफी लोग हैं इतना नहीं है चालीस पैंतीस मतलब रेंज वाइज बात कर रहे हैं है, है ना आपका फोड़ा हुआ फुंसी हुआ खुजली हुआ कभी दस्त लगी कभी पेट दर्द हुआ कभी बुखार हुआ कभी जुखाम हुआ कभी दिक्कत आई कभी बिस्तर से गिर गए चोट आई सबसे दवा दरमल कराते मालिश करते आपको लाए ना घबरू जवान बनाने तक आपका बाप तो आप पैदा होने से लेकर के अब तक में बहुत विस्तार किए ज्ञान का विस्तार विचार का विस्तार शरीर का विस्तार और उसके लिए जो जरूरी पड़ा सब किया गया कि नहीं किया गया नहीं तो सड़क पे चलने वाले ट्रक सड़क पे चलने वाली गाड़ियां किसी को भी रौत दे रही हैं उससे बचाया बचाया कि नहीं बचाया तभी तो हम सुरक्षित हैं विवाह बरात में ले गए मेले में ले गए हाथ नहीं छोड़ा कब को छूट गए होते उससे बचाया छत पे लेके गए तो हमारे इर्द गिर्द ही घूमता रहा कहीं छत से गिर ना जाए कहीं वहां से बचाया आप अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो न जाने कितने जगह से बचाते बचाते तब हम बच करके ये बने हैं तो ऐसे तिहत्तर सालों में संविधान को न जाने किस किस तूफानों से बचा करके उसमें विस्तार भरते हुए तब ये तिहत्तर साल का किया गया है तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की को कृपा की दृष्टि से देखिए बड़ी कृपा है सुप्रीम कोर्ट की हम तो कहते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट है तो डरने की कोई जरूरत नहीं सरकार एक बार गड़बड़ कर सकती है सरकार तो हो सकता है आपको बेच भी दे सरकार पर अनलिमिटेड भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट गारंटी है कि आप भरोसा करके देखिए आपको प्रतिफल देगा सुप्रीम कोर्ट ही गारंटी है फंडामेंटल राइट की गारंटी लिया हुआ है कि नहीं संविधान का संरक्षक है कि नहीं आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो चले जाओ फट से आर्टिकल थर्टी टू यार तुरंत सरकार वादे करती है सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट है नो तो टेंशन no दूसरा लिखो न्यायिक पुनर्विलोकन लिखें थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट हैज मेनली हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायालय ने मुख्य रूप से संविधान के विकास में सहायता की है आगे लिखें वेन एवर नेक्स्ट वेन एवर देअर वॉज द थ्रेट फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट थ्रू इट्स द कोर्ट थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट सक्सीड इन प्रोटेक्टिंग it, इन प्रोटेक्टिंग it, जब भी संविधान पर संसद की ओर से कोई खतरा था ध्यान रखना जब भी संविधान पर संसद की ओर से कोई खतरा था तो न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा इसे बचाने में सफलता प्राप्त की ठीक है बचाने में सफलता प्राप्त इट्स Culmination was in the theory of fundamental structure. Huh? Its culmination was in the theory of fundamental structure as contested in case one and Bharti. वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जिसका एग्जांपल मैं दे रहा था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इट्स कॉलमिनेशन कॉल्बिनेशन ऑफ कॉलमिनेशन वाज़ इन द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एज कंटेस्टेड इन केसवन एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसकी पराकाष्ठा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में मौलिक ढांचे के सिद्धांत में देखी जा सकती या सिद्धांत में नहीं थे बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि संविधान में जो बेसिक चीजें हैं आप सुधार कीजिए क्योंकि वो कानून बनाते रहते हैं ये हटाएंगे वो जोड़ेंगे वो घटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये करिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ेंगे तो पता चला बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो बोला हम बताते रहेंगे आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो? जब आप कानून बना के ले आए उस कानून में तब देखेगा कि इसमें कानून में फंडामेंटल राइट right का फंडामेंटल स्ट्रक्चर का क्या थीम बनता है जैसे कह दिया कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है अब आप फंडामेंटल राइट right में कोई चीज पॉजिटिव जोड़ तो सकते हैं हटा नहीं सकते जैसे क्लासरूम है ना हमने इसको आपको रेंट पे दे दिया मैंने आपको रेंट पर दे दिया कि आप लो यार दस हज़ार देते ना, ना रहो इसी में आप यहाँ केबिन तो बना सकते हैं ग्लास का केबिन लगा लीजिए बिस्तर उधर लगा लीजिए दीवार पे ठोंक के टी वी लगा लीजिए वो सब कर लीजिए लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ दीवार ही हटा दूँ ये दीवार क्या है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इस घर का तो कोई किराएदार किराए में रह करके मेज कुर्सी यहाँ वहाँ कर सकता है केबन बनाना हो बना लकड़ी का पार्टीशन करना हो लेकिन ये इस दीवार को नहीं छेड़ सकता है। तो जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो मकान मालिक आके बोलेगा नहीं ये नहीं कर सकते ऐसे ही जब आप कानून बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगा ना 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 बाबू ये तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है तो इसलिए वो समय समय पे बताता रहता है बे फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो है जैसे घर की दीवार है उसको नहीं छेड़ सकते डाइनिंग टेबल इधर उधर कर सकते समझिए ना तो सर सरकार अगर दीवार हटाने की कोशिश करेगी यानी कि जो स्ट्रक्चर है संविधान का बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एबॉप्ट कर देगा जीरो कर देगा ठीक है समझ में आ गया ना हाँ आगे लिखिएगा बाई लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की उदार व्याख्या करते हुए बाई लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट टू हेल्थ ऑफ एम्प्लाइज एंड राइट टू हेल्थ ऑफ एम्प्लाइज एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स संविधान की उदार व्याख्या करते हुए और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के अधिकार और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के अधिकार एवं विधि के अनुरूप प्रक्रिया की संकल्पना ने मौलिक अधिकार की संभावना का विस्तार किया है मौलिक अधिकार की संभावना का विस्तार किया है जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ इससे समझ जाना जैसे राइट टू प्राइवेसी आप जब जाएंगे फंडामेंटल राइट right में राइट टू प्राइवेसी की बात कीजिए आर्टिकल 21 को डिटेल पढ़ो ना जैसे राइट टू एजुकेशन शुद्ध पानी पीने का अधिकार शिक्षा का अधिकार एकांतता का अधिकार फोन ट्रैप नहीं कर सकते आप मेरा यह भी मेरा राइट हमको मौलिक अधिकार सामान्य में मिला है तो इसके कारण क्या हुआ मौलिक अधिकार में देखेंगे होंगे काफी विस्तार हुआ फंडामेंटल राइट में टाइम के साथ काफी एक्सप्लेन किया क्योंकि यह सब चीज था नहीं उसमें नहीं समझ में आ रही क्या बात आई समझ में फंडामेंटल राइट right हमारा जो नैसर्गिक न्याय होता है नै, नैसर्गिक राइट right वो होता है जैसे बोलना, चलना, फिरना, घूमना ये करना वो कर। जो चीज आपको बुरा लग रहा है वो समझ लो फंडामेंटल राइट right का उल्लंघन हो रहा है क्या समझे समझे ना एक तो ये रहेगा इसमें हम दो एक पॉइंट और लिखाएंगे इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें लिख लीजिए इट हैज सक्सीड या सक्सीडेड लिख लीजिए इट हैज इन मेंटेनिंग मेंटेनिंग हारमोनी इन द टू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्री एंड फोर टू पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्री एंड फोर एज इट एविडेंट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ डिसवा मिल शूट लिखें संविधान के दो भागों ब्रैकेट में लिखे भाग तीन व भाग चार में सामंजस्य बनाए रखने में इसने सफलता प्राप्त की जैसा कि मिनरवा मील के वाद के निर्णय से स्पष्ट है जैसा कि मिनरवा मील मिनरवा मील का वाद कब आया था 1980 में ठीक है और यह कहना चाह रहे हैं देखो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमको स्टेट के अगेंस्ट मिला है फंडामेंटल राइट क्या है स्टेट है स्टेट की डिफिनीशन कहाँ है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट क्या है स्टेट संसद भी है विधानमंडल भी है स्टेट नगर निकाय भी है अथॉरिटीज भी हैं प्राधिकरण भी हैं यानी जो आपके फंडामेंटल राइट right का उल्लंघन करेगा उससे आपको सुप्रीम कोर्ट बचाएगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रेमिडीज की बात की गई है जिसमें पांच याचिकाएँ देखी होंगे तो हमको एक प्रकार से हम स्टेट के हमारा इंक्लोज कौन करेगा स्टेट कर सकता फंडामेंटल राइट का तो स्टेट के अंगेंस्ट मिला हुआ है और नीति निर्देशक तत्व तो, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट कहां से वह सिर्फ बारह से पैंतीस है जिसमें चौदह से देखेंगे राइट टू इक्वालिटी से लेकर रेमिडीज तक चले जाइए बत्तीस तक छत्तीस से वैसे पैंतीस तक है छत्तीस से लेकर के इक्यावन तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसको आप फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं ये ड्यूटी किसकी है ये जो चीज उसमें लिखी है पूर्ति करने की स्टेट की फंडामेंटल राइट किसके अंगेंस्ट मिला स्टेट की लेकिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए अगर फंडामेंटल राइट है माना राइट टू एजुकेशन निःशुल्क छोड़ दीजिए right तो राइट टू एजुकेशन दो में राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट आया आप जरा सोचे कि अगर राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में हमको मिला है तो राइट हम एजुकेशन लेंगे कहाँ से चिकित्सा का अधिकार हमको मिला है तो हम चिकित्सा लेंगे कहां से स्टेट की ड्यूटी एक हॉस्पिटल बनाए स्टेट की, की ड्यूटी स्कूल बनाए अगर हमको आपने कह दिया कि आपको भारत भ्रमण करने का अधिकार है न बस चलती है न गाड़ी चलती है न ट्रेन चलती है न सड़क है न सुविधा है तो आप ये राइट दे के हमारा होगा क्या तो हमें पढ़ने का अधिकार हमें चिकित्सा का अधिकार या जो भी अधिकार हैं उनके जरूरी पक्ष जो चाहिए वो तो होंगे तो वो कौन जिम्मेदारी निभाएगा उसकी ड्यूटी वो स्टेट तो स्टेट क्या करेगा स्कूल बनाएगा स्टेट क्या करेगा हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल राज्य ने बनाया और राइट टू हेल्थ जो हमको मिला है तब जाकर के सही होगा ना एम्बुलेंस चलती है एक सौ आठ नंबर कोई कहीं दुर्घटना हो जाए आप उस पर फोन करते हैं जहां जैसी स्थिति है उस हिसाब से दस बीस मिनट में वो आ जाती है और आपको हूं हू करते करते हॉस्पिटल में घुसड़ देती है ये कहां से राइट मिला है आपको फंडामेंटल राइट से लेकिन 108 नंबर चलाएगा कौन स्टेट यह कहां मिलेगा डायरेक्टर प्रिंसिपल में मिलेगा तो हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाहे हैं? यहां पर क्या कहा हमने कि संविधान के दोनों भागों में सामंजस्य बनाए रखने में जो सफलता प्राप्त हुई है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सामंजस्य बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है वह भी कहीं ना कहीं इस तिहत्तर सालों में उसकी बड़ी भूमिका में गिना जाना चाहिए और इतना ही नहीं चला डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते फंडामेंटल राइट उल्लंघन होने पे आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रवर्तनी नहीं है न्यायालय में आप उसके उल्लंघन की स्थिति में जैसे सरकार अगर स्कूल न बन बनाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते सरकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने में छत्तीस से इक्यावन के बीच में कोई कमी रह जाती तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोर्ट नहीं जा सकते लेकिन कुछ आर्टिकल्स आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जिसमें ये कहा गया है कि क्योंकि सुप्रीम अगर उसकी जो अवकात है उसकी जो हैसियत वो फंडामेंटल राइट की तरह बना दी गई कहीं कहीं तो सुपरसीड कर जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल फंडामेंटल राइट right को अगर इनक्लोज कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कोई काम फंडामेंटल राइट right को इनक्लोज कर रहा है तो कहीं कहीं देखा गया है कि उसको इनक्लोज ना मान करके उसको सही करार दिया गया रिफॉर्म में लिखेंगे टू मेक द कोर्ट अकाउंटेबल टू द नीड ऑफ द पब्लिक न्यायालय को जनता की आवश्यकताओं के प्रति उदारपूर्ण बनाने उदारपूर्ण बनाने लाइन बदल दीजिए टू स्पीड अब द जुडिशियल प्रोसेस न्यायिक प्रक्रिया की गति तेज करने टू मेक इट मोर एसेसिबल इसे और अधिक सुगम्य बनाने एसेसिबल एंड आगे टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर खर्च कम करने अगर ये कर दिया जाए तो न्यायिक सुधार ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अगर हम जनता के हिसाब से थोड़े उदार हो जाएं, खर्च कम कर दें ठीक है न्याय की प्रक्रिया में तेजी ला दें और इसको सहज कर दें थोड़े सुगम में कर दें तो सुधार होगा ना तो ये किया जाता रहा ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं ये होता रहा आगे लिखें न्यायालयी कार्यों का कम्प्यूरी कंप्यूटरीकरण होना कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कोर्ट वर्क्स ऑफ द इंटायर कंट्री लिख लीजिए पूरे देश में न्यायालयी कार्यों का कंप्यूटरीकरण होना ठीक लिखिए ई अदालत ई कोर्ट है ना ई याचिका ई ई आ ई आ, ई है ना ये ई कोर्ट और ई क्या बोला था मैंने याचिका पटीशन वगैरह तो ये क्या हो गया चिल्ला से अभी आपने देखे होंगे कि कल अखबार में पढ़े होंगे कि बच्चों के आय जाति प्रमाण पत्र स्कूलों से मिलेंगे क्या क्या है उसमें चेला तो निवास है हाँ जाति निवास हो है, और भी है क्या तो दो अच्छा दो ही चीज है तो जो भी है मतलब ये मिलेगा अब बताइए सुविधा हो गई कि नहीं हो गई हा? सुगम में बना दिया गया ना उसको हाँ, सुगम बनाया गया ना उसको अपना काम हो गया वहीं से खत्म करो यार वैसे देखा जाए तो यार काम करने के रास्ते जो है ना इंस्टीट्यूशन बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास हमारे पास इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अच्छा तरीका है ये जो सरकार ने इनिशिएटिव ये लिया कि निवास प्रमाणपत्र जाति चीज़ें स्कूल से मिलेंगे अच्छा इनिशिएटिव है भाई एक परफार्मा होगा वो उसको लोग भर देंगे बच्चे गार्जियन से भरवा लेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा स्कूल में सबमिट कर दिए और स्कूल वालों ने आगे जहाँ पर है फॉरवर्ड कर दिया एक टाइम आ गया उसके बीच में जैसे मार्कशीट की तरह लोग भैया तुम्हारा प्रमाण पत्र आ गया अच्छा है ये अब एक हेडिंग बनाओगे आप आ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच तुलना करेंगे लिखो कंपरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिखो आप सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट आप लोग यूनियन लिख लेना है ना संघीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय है आगे लिख लीजिए दिल्ली ये केवल दिल्ली में है एक जगह ठीक है हाई कोर्ट क्या है है ना हाई कोर्ट लिखिएगा प्रत्येक राज्यों में इसका प्रोविजन है लिखें देयर इज अ प्रोविजन फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट आगे लिख लीजिए इसी में मैं शायद पहले बताया भी हूं दो या अधिक का एक हाई कोर्ट हो सकता है लिखें टू आर मोर कोर्ट कैन आल्सो इस्टैब्लिस ठीक है ना नीचे लिखिए सुप्रीम कोर्ट वैसे जजेस आप सुप्रीम कोर्ट लिखते थे ज्यादा ठीक था

सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है लेकिन स्टेट में गवर्नर दिलाता है शपथ समझते हैं ना जैसे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है तो ऐसे जज को शपथ दिखलाएगा गवर्नर बट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आगे कल बताएंगे। आप